जोधपुर में एक कलयुगी मां ने अपने जिगर के टुकड़े को अस्पताल में भगवान के भरोसे छोड़कर 9/2/11 हो गई। घटना जोधपुर के रेजिडेंसी रोड स्थित सरकारी अस्पताल की है, जहां पर एक कलयुगी मां ने अपने 1.5 साल के जिगर के टुकड़े को अस्पताल में छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधक को दी, जिस पर आकर देखा गया तो 1.5 साल की बच्ची अपनी माँ के लिए बिलख रही थी। अस्पताल प्रशासन ने पहले बच्ची को संभाला, उसे खाने के लिए कुछ दिया और फिर उस पूरे घटनाक्रम की सूचना रातानाडा थाना पुलिस को दी गई। रातानाडा थाना पुलिस और अस्पताल प्रशासन इस बच्ची को लवकुश गृह भेज रही है। वहीं इस कलयुग की मां की तलाश के लिए आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों में मदद ली जा रही है। दिन में गश्त के दौरान 1:20 पर कंट्रोल से इतला मिली कि एक अबोध बालिका जिसकी माता रेजिडेंसी अस्पताल के अंदर छोड़कर चली गई है। जिस सूचना पर मैं जाप्ता सहित पहुंचा, मैं बच्ची को देख करके बच्ची की फोटोग्राफी कर बच्ची को पुलिस संरक्षण में लिया। वह अब इसको पालन गृह में जमा करवाने की कार्रवाई करने जा रहा हूँ। बच्ची की उम्र 2 साल लगभग लग रही है। यहाँ पे बाहर बैठी थी, किसी बच्चे ने लड़के ने मुझे बोला, मैडम यहाँ बाहर बच्ची बैठी है, आप देख लीजिए किसकी बच्ची है। मैं बाहर गई, इधर जो देखा मुझे किसी कोई मिला नहीं। हमारे सर डॉक्टर साहब बैठे थे, ये भी देखे, हाँ बच्ची काफ़ी टाइम से बैठी है। फिर मैंने उस बच्ची को उठा के अंदर ले आई और हमारे स्टाफ के सामने हम लोग उसको खिलाने लगे, कुछ खिलाया, उसको पानी वानी पिलाया और वो बच्ची खेल रहे हैं। पिछले 2-3 घंटे से उसके कोई लेने नहीं आया है। हमने कंट्रोल रूम को भी फ़ोन कर दिया और आप लोग भी आए हो। अब ये बच्ची आपके साल की है, बच्ची कम से कम 1.5 साल की है। बस ये पता लगा कि छूट छूट के गए? नहीं, ये पता नहीं लगा अभी तक किसी को। मेरा नाम प्रवीणा शर्मा है। सुबह 10 बजे हमारे सैंपलिंग की कार्यवाही चल रही थी, उसमें पाया गया कि एक बच्ची हॉस्पिटल के बाहर थी। उसे स्टाफ से पूछा कि किसकी है, तो कोई लेडीज़ को छोड़ के गई थी, लेडीज़ को देखा गया था, उसके बाद वो आई नहीं। हम बच्ची को फिर अंदर लेके आए, थोड़ा उसको पानी वानी पिलाया, उसको आराम कराया, वहाँ में बिठाया, मगर 1 घंटे तक भी कोई आया नहीं। फिर हमने इसकी जानकारी आगे पुलिस को दे दी है। तो आगे जो भी उचित कदम होगा, मैं जो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से उसके अपने पेरेंट्स उसको ढूंढ लें, उसको अपने माँ बाप मिले।